नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अयोध्या पर्व। अयोध्या पर्व में आज बात भरत कुंड की। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्थित है भरत कुंड। भरत कुंड वो स्थान है जहां पर प्रभु राम के भाई भरत ने 14 बरस तक अपने भाई का इंतजार किया। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कहानी भरत कुंड की। अयोध्या में नंदीग्राम भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान राम के भाई भरत ने राम के वनवास से लौटने के लिए तपस्या की। मान्यता है कि प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले गए तो भरत उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन राम ने भरत को नंदीग्राम पर ही रोक दिया। 14 वर्ष के वनवास की यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में थे तो उनके भाई भरत उनको मनाने के लिए गए। प्रभु राम ने मना कर दिया, वो नहीं लौटे। वहां से भाई भरत प्रभु राम की चरण पादुका लेकर लौटे, अयोध्या नहीं गए। वो चले आए नंदीग्राम भरत कुंड, और यहां पर भरत सरोवर के पास यहीं पर 14 साल तक उन्होंने तप किया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे भैया वनवास काटकर वापस नहीं आ जाते मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं वो राजपाट नहीं संभालूंगा। यहीं पर वो नित निरंतर उनका ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे, तप करते रहे और इस सरोवर में स्नान करते रहे। भरत कुंड के जानकार बताते हैं कि चित्रकूट से प्रभु श्री राम का चरण पादुका लेकर भरत कुंड चले आए और यहीं से तपस्या करते हुए पादुका के आदेश पर राजपाट चलाने लगे। चरण पादुका को उन्होंने सिंहासन पर आरूढ़ किया और चरण पादुका से पूछ के कि कैसे राजपाट का संचालन करना है, जो आदेश चरण पादुका से होता था उसी अनुरूप वो अपने मंत्रियों को और वहां से जुड़े प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो अयोध्या के थे तत्कालीन, उन लोगों को निर्देश देते थे। उसी हिसाब से अयोध्या का राजपाट होता था, संचालन होता था। प्रभु राम के वनवास जाने के बाद भरत यहीं पर राम का इंतजार करते रहे। ये इंतजार ठीक उसी तरह है जैसे कलयुग में 500 साल देश की जनता कर रही है। तो प्रभु राम के भक्तों का इंतजार समाप्त होने वाला है, 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम आने वाला है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ये तो हमारे युग की कहानी है, लेकिन त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास काट कर लौटे थे तो अयोध्या नहीं गए, पहले अपने भाई भरत से मिलने के लिए भरत कुंड आए थे। नंदीग्राम में प्रभु राम की चरण पादुका के साथ भरत तप करने लगे और यहीं से उनके आदेश पर अयोध्या का राज चलाते रहे। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई है सुई। आपके द्वारा जो कहा गया समझा गया वो वही धर्म का सार बनेगा। तो भरतलाल जी ने बताया कि हम राम नंदीग्राम रहना चाहते हैं, तो वहां से राम मात गुरुपस्त्र नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म कुटीरा। वहां से आते हैं नंदीग्राम, राम मात गुरुपस्त्र नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, जो प्रभु पद मिला था उसको लेकर के आते हैं और यहाँ पर पादुका के लिए सिंहासन बनाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं भरत गुफा, जहां प्रभु राम के इंतजार में भरत ने 14 वर्ष तक इंतजार किया। इसी गुफा से भरत अयोध्या का शासन भी चलाते रहे। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो पल पल भारी होता है, और जब भरत जी 14 वर्ष तक राम का इंतजार कर रहे थे तो आप सोचिए कि उनके लिए हर क्षण कितना भारी रहा होगा। वो क्या करते रहे होंगे, वो यहाँ आकर तपस्या कर रहे थे। ये भरत गुफा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी भरत गुफा में बैठकर वो 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे, इंतजार करते रहे कि कब ये घड़ी समाप्त होगी, कब मेरे भैया राम लौट कर आएंगे और मेरा उनका मिलन होगा। हम इस गुफा के भीतर चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो स्थान जहां पर भरत जी 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे, तप करते रहे, ध्यान लगाते रहे। न्यूज 18 की टीम भरत गुफा में पहुंची जहां भरत जी अपने भाई के वियोग में विराजमान है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज भी गुफा पूजनीय है, यहाँ भगवान भरत के दर्शन के लिए लोग आते हैं। तो भरत गुफा के भीतर हम आ गए हैं, यहाँ पर भरत जी की प्रतिमा आप देख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर वो ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने भाई के लौट आने का, प्रभु राम के लौट आने का। 14 वर्ष का इंतजार आसान नहीं था। जिस प्रकार से आज राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया रामलला के मंदिर के निर्माण का, ऐसे ही त्रेता युग में भरत जी ने इंतजार किया था अपने भाई के वनवास से लौट आने का, और वो 14 वर्ष का जो इंतजार था वो आसान नहीं रहा होगा। भरत के तप का समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन वो वक्त भी आया जब प्रभु राम के 14 वर्ष का वनवास खत्म होने वाला था। आने से पहले प्रभु राम ने हनुमान के जरिए भरत को संदेश भेजा। जब हनुमान जी ने भगवान राम के आने की सूचना दी तो भरत खुशी से झूम उठे। ये वट वृक्ष उसी मिलन का गवाह है।
तो भरत कुंड में घूमते हुए हम उस प्राचीन वटवृक्ष के पास आ गए हैं जो प्रतीक है भरत और हनुमान जी के मिलन का। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री भरत हनुमान मिलन वटवृक्ष प्राचीन। इसके पीछे की भी एक कहानी है, कहानी बताते हैं आप। प्रभु राम के आने की सूचना पर भरत हनुमान को गले लगाते हैं। फिर विश्वास होता है, नहीं जन अवगुण प्रभु मानने का हूँ, इस पर फिर विश्वास आ जाता है कि प्रभु आएंगे। इतने में जब इतना भाव आया तब तक हनुमान जी यहाँ विराजमान हो गए। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपूत। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी यहाँ विराजमान हुए, तो उसी जगह से बोलते हैं, जास विरह सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुनगन पाती। जिसकी विरह में आप दिनों रात सोच रहे हैं, 14 वर्ष बिताते हैं, वो प्रभु आ गए। नंदीग्राम के भरत कुंड में आज भी वो वट वृक्ष हनुमान और भरत के मिलन का गवाह है। एक बार फिर देखिए, यही वो वट वृक्ष है जो आज भी भरत की खुशी की गवाही दे रहा है। ये दो वृक्ष आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक वृक्ष इस तरफ है और दूसरा वृक्ष इस तरफ है। एक को भरत कहा जाता है, भरत स्वरूप, और दूसरे को हनुमान स्वरूप। ये दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और बहुत स्वाभाविक था। हम आज इस युग में सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। त्रेता युग में वो भाव सोचिए आप, जब एक भाई का 14 वर्ष का इंतजार समाप्त हो रहा था, उसकी तपस्या फलीभूत हो रही थी, वो यहीं पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, अपने भाई का इंतजार कर रहे थे, और जब कोई आकर ये खुशखबरी दे कि आपके भैया आने वाले हैं, तो उसके मनोभाव क्या रहे होंगे, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। हनुमान जी की सूचना पर भरत के साथ साथ पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। भरत के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अयोध्या के वासी प्रभु राम से मिलने के लिए जो जहां था वहीं से भागने लगा। सारे लोग वहां से जे जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध कोई संग न लावे। कोई आयो भरत संग सब लोग, सारे लोग भरत के पास आते हैं और यहाँ पर राम जी आते हैं, और सबके मन में ये विचार है कि सबसे पहले प्रभु से हम मिलेंगे, सबसे पहले प्रभु से हम मिलेंगे। अयोध्या में भगवान राम के जलाभिषेक के लिए 27 तीर्थों का जल भी मौजूद था। भरत प्रभु राम का जलाभिषेक करने के लिए 27 तीर्थों का जल लाए थे, जिसे भरत कूप में रखा गया था। News 18 की टीम उस कुएं के पास भी पहुंची, जिसमें भरत ने 27 तीर्थों का जल रखा था। तो भरत कुंड में हम उस कुएं के पास आ गए हैं जिसमें 27 तीर्थों का जल डाला गया था त्रेता युग में, और इसकी खासियत यह है कि आज भी उसका जल खराब नहीं होता। जैसे माँ गंगा का जल खराब नहीं होता, आप कितने भी समय तक उसको रखिए उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं, ऐसे इस कुएं का जल भी खराब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 27 तीर्थों का जल डाला गया था। जानकार बताते हैं, त्रेता युग में भरत 27 पवित्र तीर्थों का जल लेकर आए थे। ये 27 तीर्थों का जल है जो राम जी के राज्याभिषेक के लिए आया था। अच्छा, भरत जी जब चित्रकूट से लौट कर आए हैं तो यहाँ पे 14 वर्ष बैठ के प्रभु श्री राम जी का आने का स्मरण किया था। कहते हैं आज भी इस कुएं का जल पवित्र और निर्मल है। न्यूज 18 की टीम ने इस कुएं के जल को ग्रहण किया। निर्मल है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। ये ऐसे ही कोई मान्यता और कहानी नहीं बन जाती है, सत्यता होती है तभी तो मान्यता और कहानी बनती है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि त्रेता युग में जब भाई भरत अपने भाई बड़े भाई राम को लाने के लिए गए, तो 27 तीर्थों का जल लेकर गए थे कि मैं भाई को वापस लेकर आऊंगा, उनका राज्याभिषेक करूंगा, उनको गद्दी पे बिठाऊंगा जिसके वो हकदार है। लेकिन जब प्रभु राम नहीं लौटे तो वहां से भरत जी वापस आए और वो जल अपने साथ लेकर आए, इसे कुएं में उन्होंने डाल दिया। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु राम वापस लौटे तो इसी कुएं से जल निकाला गया और उसके बाद प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ। इसी भरत कुंड में भगवान शिव का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ नंदी भगवान शिव से नाराज हुए बैठे हैं। भरत कुंड में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी जी भोलेनाथ से विमुख है। क्यों विमुख है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमको पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ का। ये देखिए आप, अंदर आपको शिवलिंग नजर आ रहा है और ये आप देखिए नंदी जी। आमतौर पर आपको सभी शिवलिंग में और सभी शिवधाम में नंदी जी प्रभु भोलेनाथ की तरफ आपको मुख किए हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो उनसे विमुख है। ये देखिए आप, बाहर की तरफ नंदी जी देख रहे हैं। नंदी ग्राम में नंदी की नाराजगी के बारे में स्थानीय पुजारी ने विस्तार से बताया। भगवान भोलेनाथ कैलाश से आए थे
जब भगवान राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे, पृथ्वी लोक पे आए थे, तो सभी देवता अपने धाम से आए, प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, उसके बाद में अपने धाम साकेतपुरी को चले गए। तो भगवान भोलेनाथ से काकभसुण जी ने कहा कि प्रभु सभी लोग अपने धाम से आए, अपने धाम को दर्शन करके चले गए राम जी का, तो हम ही लोग बचे हैं, तो क्यों न दर्शन कर लिया जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसमें देर की क्या बात है, चलो चलते हैं अभी। तो भगवान भोलेनाथ, काकभसुण जी और नंदी जी आए। नंदी जी को यहाँ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में छुपा दिया। यहीं छुपा के अपना साधु का भेद धारण करके भगवान भोलेनाथ और काकभसुण जी चले गए। भगवान राम के 14 साल वनवास में रहने के कारण यहाँ के श्री राम जानकी मंदिर में 24 अक्टूबर 2018 से 14 साल के लिए श्री सीताराम नाम का अखंड कीर्तन चल रहा है। भरत कुंड में एक सीताराम कीर्तन भवन है। इस भवन में दिन रात सीताराम सीताराम का जाप चलता रहता है, लोग भजन करते रहते हैं और ये अनवरत चल रहा है, क्योंकि एक संकल्प है, संकल्प के सिद्धि में तब्दील हो जाने का। दरअसल जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में अटकाया भटकाया लटकाया जा रहा था, उसी दौरान राम भक्त अलग अलग संकल्प ले रहे थे और यहाँ भरतकुंड में भी एक संकल्प लिया गया कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा 14 बरस तक इसी तरीके से राम भजन यहाँ पर गाया जाएगा। 24 अक्टूबर 2018 से यहाँ पर इसी तरीके से 24 घंटे अनवरत सीताराम सीताराम का भजन किया जा रहा है, जो 14 बरस तक चलता रहेगा। दूसरी तरफ संकल्प सिद्धि में तब्दील हो रहा है, दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको मालूम है इनकी तपस्या फलीभूत हो रही है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में जैसे भरत ने भगवान राम के आने के बाद अयोध्या में खुशियां मनाई थी, आज पूरा देश वही जश्न मना रहा है। तो आज हमने आपको भरत कुंड का दर्शन कराया और कहानी बताई एक भाई के त्याग की और एक भाई की तपस्या की। प्रभु श्री राम जो पिता का आदेश पाकर 14 बरस के वनवास के लिए चले गए सब कुछ त्याग कर, तो दूसरी तरफ उनके भाई भरत जिन्होंने 14 बरस तक तपस्या की, इंतजार किया अपने भाई के लौट आने का, ये किस्सा ये कहानी है भरत कुंड की। आज के एपिसोड में इतना ही, आगे प्रभु राम से जुड़ी हुई कुछ और कहानी आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।